नमस्ते, मैं हूँ कहनाज़ और गुरुजी आज मुंबई में हैं, वो खैर दिल्ली में रहते हैं, डॉक्टर गणेश दुबे। और ये बहुत साल मेरे गुरुजी रहे हैं और आज मैं जो भी हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ। 10 साल के बाद जब मैं वापस आई तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। पहले मैं वृंदावन गई इनके साथ, तो ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके साथ थी। फिर उसके बाद जब मैं वापस आई अपने म्यूज़िक लॉन्च के लिए, तब खैर गुरुजी तो थे नहीं, वो दिल्ली में थे, लेकिन स्पिरिचुअली वो मेरे साथ थे। और गुरुजी, सीटी मतमार जो मेरा म्यूज़िक वीडियो था वो रिलीज़ हो गया, लॉन्च भी हो गया। खैर आप नहीं थे, लोगों ने सीटी तो नहीं मारी लेकिन थोड़ी सी मिसअप हो गई। उसके बाद एक इवेंट था जो मैंने परफॉर्म किया ब्राइट अवार्ड्स में, उसमें भी थोड़ा सा मिसअप हो गया, लेकिन खैर वो भी ठीक हो गया। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा था, लेकिन अब मुझे आशीर्वाद चाहिए आपसे मेरा बिग बॉस की एंट्री में, कहीं वहाँ पे कोई और गड़बड़ ना हो जाए। देखो कैनाज, एक तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने जो आपकी इतने सालों की तपस्या और इतनी मेहनत थी उसकी बदौलत जो आपने वीडियो तैयार किया वो लॉन्च हुआ। मुझे खुशी ये है कि सबसे बड़ी बात है कि आप भारत वापस आई। भारत वापस आना ही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि आप वृंदावन की ज़मीन पर आई, अपने भारत देश वापस आई और आपका लॉन्च अच्छा हुआ। मैं ज़रूर फिजिकली वहाँ नहीं था पर मेरी आत्मा, मेरे आशीर्वाद, मेरी ब्लेसिंग सदैव आपके साथ थी। और देखिए, जो कहते हैं जितनी बड़ी घटना होती है उसके बाद कुछ ना कुछ नया बड़ा होता है। जीवन में सुख और दुख दो एक आयाम है और मैं अभी जो समय देख रहा हूँ ये कमबैक का समय देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये आने वाला जो टाइम है, अगले 6 महीने या साल जो हैं, वो बहुत सारे ऐसे सितारे जो जिन्हें लोगों ने ये मान लिया था ये डूब चुके हैं या ख़त्म हो चुके हैं, उनके कमबैक होंगे। अगर आप देखें इंडस्ट्री में तो आपका कमबैक हो रहा है, अभी यो हनी सिंह का कमबैक हो रहा है, ऐसे और भी बहुत सारे सितारे हैं जो कमबैक कर रहे हैं जिन्हें इंडस्ट्री ने ये मान लिया था कि अभी वापस कभी नहीं आएंगे। तो ये जो दौर है ये आप लोगों का दौर है, आने वाला टाइम है। पीछे अगर देखें तो हॉलीवुड बॉलीवुड की आपकी सारी मूवीज़ फ्लॉप हो रही थी, बट जब से ये साल शुरू हुआ है आपकी सभी मूवीज़ हिट हो रही हैं और अच्छा बिजनेस भी कर रही हैं। तो ये जो साल है, जो आने वाला वक्त है, ये आप लोगों का दौर है और आप बहुत अच्छा करेंगी। मेरी और मेरी पूरी परंपरा का आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और खूब तरक्की करिए, खूब आगे बढ़िए और छोटी मोटी घटनाओं की चिंता मत करिए, तो होता रहता है। शुक्रिया आपका। देखिए, एक बात और कहूँगा मैं कि सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, ठीक है? तो हम तो आम इंसान हैं, हम तो छोटी सी दुनिया है हमारी, हम दाल रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागते रहते हैं, उसमें कुछ अच्छा कर लेते हैं, कुछ बड़ा कर लेते हैं। तो अग्नि परीक्षा से मत चिंता करो, ऐसी चीज घटनाएं होती रहेंगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। जब तक आप साथ हैं, ऊपर वाला, और फिर आप, फिर गम तो नहीं है, लेकिन मिसहैप्स तो होते रहते हैं, प्रॉब्लम्स तो होते रहते हैं जैसे आपने कहा। लेकिन फिर भी हमें आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तो ये जो लास्ट स्टेप, जो एक्चुअली आई वुडन्ट से लास्ट, फर्स्ट इज द स्टेप, बिगनिंग, द बिगिनिंग, जहाँ पे इज द बिग बॉस बिगनिंग। में मैं एंट्री करना चाहती हूँ। खैर 15 साल पहले ऑफर आया था और किसी वजह से नहीं हुआ, तो अब मैं वापस उस घर में जाना चाहती हूँ। नहीं, डेफिनेटली आप बिग बॉस में जाएंगी और बिग बॉस बनकर आएंगी, हम सबको उम्मीद थैंक है यू। और हम सबकी आशीर्वाद और दुआएं आपके साथ हैं। देखिए, जहाँ तक मैं बिग बॉस की टीम को या ओरिजिनेटर्स को जितना मैं समझ पाया हूँ, वो उन्होंने हमेशा उन लोगों का साथ दिया जिन्हें ज़रूरत होती है, उन लोगों का साथ दिया है जो टैलेंटेड होते हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो आपको भी ज़रूर मौका मिलेगा और आप तो बहुत पुरानी इंडस्ट्री में रही हैं, तो आपके लिए बिग बॉस हमेशा एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा और आप अच्छा करेंगी। तो आप निश्चिंत रहिए, बस शुभ सोचिए, शुभ कहिए और शुभ के बारे में ही जानते रहिए, तो आपका अच्छा होगा, भला होगा और आप ज़रूर एक दिन बड़ा बिग बॉस बनेंगी। थैंक यू। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडस्ट्री को, आर्टिस्टों को और पूरे ब्रह्मांड को? देखिए, पूरे इंडस्ट्री को मैं यही कहना चाहूँगा, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, जाहे भी दे राखे ताहे भी दे रहिए राम।
आप मेहनत करते रहिए, आप कंसिस्टेंसी में काम करते रहिए, रिजल्ट की परवाह मत करिए, रिजल्ट तो आपको आएगा ही आएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए शाम दाम दंड भेद लगाते हैं, तो मैं उन सबको ये कहूँगा आप जो मर्जी करें, पर एक बात याद रखिए कि फाइनल रिपोर्ट उसी ने तैयार करनी है, अंतिम अंतिम जो रिपोर्ट है वो वहाँ ही तैयार होनी है। आप कैसे पैदा हुए, आपने कैसे ज़िंदगी जी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जाएंगे कैसे इस दुनिया से वो इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने कर्मों को भी क्लोजली वॉच करते रहिए और काम करिए, और चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो हमारी स्पिरिचुअल दुनिया हो, या पॉलिटिक्स हो, या चार्टेड अकाउंटेंट हो, या डॉक्टर हो, सबको कर्म करने का अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, मा कर्म फल हेतुर्भु माते संघोस्तु कर्मणे। लोगों ने इसका इंटरप्रिटेशन निकाला कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। पर मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरा जो ज्ञान, या मेरे गुरु परंपरा ने जो मुझे ज्ञान दिया, उसके हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे कर्म करो जिसके फल की चिंता ना करनी पड़े आपको। आप अपने कर्मों को इतनी क्लोजली ऑब्जर्व करें कि आपको रिजल्ट की परवाह ही ना करनी पड़े। सो आप कंटिन्यूअस हार्डवर्क करते रहिए। ईश्वर ने अगर एक छोटी सी चींटी के इंतज़ाम किया है, तो हमारा भी इंतज़ाम किया ही होगा, उसके पास पूरा प्लान होगा हमारे लिए। एक चींटी को बारिश आने से पहले उसके लिए राशन इकट्ठा करके रखने की मेंटेलिटी, सूझबूझ उसको ईश्वर ने दी हुई है, तो उसने क्या हमारे लिए इंतज़ाम नहीं किया होगा। बस फेथ रखिए, उस पर फेथ रखेंगे तो आपको सक्सेस, सफलता आपको मिलेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सबके लिए शुभ सोचें, अपने बारे में शुभ सोचें, सब शुभ होगा। बहुत तो बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम।